देखो वैगनार भी बढ़िया जिमनी से हो भाई। अब यहाँ पे बताओ मस्त है, यहाँ अपना भाई साहब खोल सकता हूँ। क्यों भैया, मेरा पैर और मेरा जूता। इम्पैक्ट पहला यहाँ पे आया था और एक बंदे ने मुझे हेल्प नहीं करी मेन रोड पे। भाई ये बता रहा हूँ तुम्हें, अपने पे विश्वास रखोगे ना भाई, सब कर लोगे। भाई देहरादून एंटर होते ही बरसात का स्वागत कर लिया। दो दिन से, कल से बरसात नहीं थी और आज देखो बरसात शुरू। थोड़ा कहीं लाइट पहन रहा था, रेनकोट पहन लूँ। तो फिलहाल अभी का सीन ऐसा, अपन लोग वापस चल रहे हैं देहरादून के लिए। लस्सी कह जाती है राइड आज की, क्योंकि कल आया था मैं काम से, काम निपट गया। ऑलमोस्ट 5:30 बज रहे हैं, अब हम निकल रहे हैं वापस। और निकलते निकलते फिर लेट हो गई। वैसे मोस्टली मैं क्या, तो मेरा जो टाइम होता है जाने आने का वो वही होता है, कहीं या तो बिल्कुल सुबह निकलो या तो बिल्कुल शाम को निकलो। ये टाइम मेरे को बहुत बढ़िया लगता है। क्या आर्ट ना देखिए भाई, दीवार पे एंकर हैं, बढ़िया मस्त। ये 390 मुझे पेट्रोल पम्प ढूंढना यार, पेट्रोल पम्प कहाँ मिलेगा? अभी टंकी फुल करानी है उसकी। जा रहे हैं हम लोग किधर, खैर फ्यूलिंग हो गई फुल और मौत, धूप भी थोड़ी कम हो गई है तो ऑब्वियसली अच्छा लगेगा भी जाना। मेरे को बस डर इस बात का है, चूँकि आर आर में तो लाइट काफ़ी अच्छी है, इसकी लाइट का भी कुछ पता नहीं कैसा ये हाईवे परफॉर्म करेगी। पर जो कॉन्फिडेंस लेवल इसमें बहुत कम आ रहा है। एक रीज़न सबसे बड़ा इसका है वो टायर आगे वाला सपोर्ट नहीं कर रहा है। पीछे तो चलो वो लगाया हमने, मैराथन M888 लगाया तो वो तो बहुत अच्छी ग्रिप दे रहा है, पर फ्रंट वाला टायर ना नहीं दे रहा है इतना कॉन्फिडेंस। तो चक्कर में भी थोड़ा सा स्पीड में ऊपर नीचे हो रहा है, बाकी देखते हैं अभी। वेयर हेलमेट एट द बैक आल्सो। नोएडा में घूम रहे हम, तो नोएडा में वो यहाँ पे लोग तो कहीं भी कैसे भी कट रहे यार, कोई हिसाब नहीं कटने का। कदम कर रहा वहाँ कट जा रहा। जिमनी से बड़े तो ब्रेजा है भाई, कर ऐसा मैं नहीं कह रहा। आगे देखो भाई, ये ब्रेजा है, उसका आगे जिमनी देखो कितनी छोटी सी है भाई। अब देखो, अब तुम जिमनी दिखाता हूँ तुम्हें, दोनों का कंपेरिजन देखो। वैगनार भी बड़ी है जिमनी से भाई, वो देखो वैगनार जिमनी एक बराबर ही है, ना ऊपर ना नीचे। खतरनाक सीन भाई, भाई साहब तो काजू पटाओ, पन्नी लाए काम चल रहा है भाई। मैं तो अंदर आ रहा हूँ, चलो देखते हैं अब इसकी आवाज़ सुनेंगे अंदर कैसी बात आती है इसकी। उनको टनल के अंदर, टनल कहाँ है यार ये? चलो भाई एक्सप्रेस वे आ गए। चलो भाई इसका मजा अलग है महंगा चलने का। हाई वे पे जाना है, पो चे चे पेपेन मस्त कहाँ है तो फुल मस्ती, फुल मस्ती तो सस्ती प्रोबल मस्त करेंगे साहब। बाकी अभी देखो, रोड इज क्वाइट क्राउडेड। GLA 200 कितनी चेंज होगी भाई, मस्त। तो यहाँ से भी निकल के वहाँ मिलते हैं। देखो भाई रास्ते मुझे याद आते ना, एक बार इस रास्ते में चला गया और रास्ते मुझे याद आते। इस रास्ते में लास्ट टाइम गया था, इस रास्ते जा रहा हूँ वापस। मेरा ट्रेन ही ट्रेन भाई, बहुत टाइम बाद देखे ट्रेन चलते। वैसे बार बार देखो, हजार बार देखो के देखने की चीज है हमारा दिल। रुक फुल मस्ती बाबा। चलो भाई पब्लिक स्टेशन से आ रहे हैं, तड़ 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 एक तो सूट पहन रखा है, उसके बाद वह एंकर बाइक भी और पर से बाज चुंगमेश्वरी। चलो चलते हैं, पहुँचते पे मिलते हैं भाई। क्या मज़ा आ रहा है इसे लेके जाने में, बस फ्रंट का टायर चेंज हो जाए मज़ा आ जाएगा बाइक में। क्या कॉर्नर लिए जा रहे हैं मस्त, मैं कॉर्नर क्या मज़ा आ रहा है भाई। हरियाली के बीच जाने में मज़ा कुछ और होता है भाई, खुशबू आई ना नाक में यार ऐसी, बिल्कुल हरियाली वाली, अरे घास फूस की जो स्मेल आई ना मज़ेदार। और पब्लिक स्टेशन तो बाबा पूछो मत। बाकी देखो क्या बढ़िया रास्ता चल रहा था ऊपर, अच्छा खासा DNDA जाते हैं बस। नहीं हमको नहीं जाने देंगे, क्योंकि हमारे पे बाइक वाले हैं ना, बड़ी बाइक होने के बाद भी हम नहीं जा सकते। अच्छा बिग प्रॉब्लम फॉर अस। हरियाली जा देखो, वहाँ तक हरियाली है भाई इस रोड में, ये तो चाहिए भाई। जब तुम वहाँ से ट्रेवल करो, जो पंजाब जाते हैं ना, तो पंजाब में पूरा हरियाली हरियाली रहती है यार, तो अलग मज़ा आता है वहाँ पे। अब यहाँ पे बताओ मस्त है, यहाँ अपना भाई साहब खोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिट्टी है नहीं, धूल मिट्टी उंडी रही, कोई मेरे आगे है नहीं, खाली रोड है। रोड भी इतनी सुंदर है कि क्या बताओ, देखो देख रहे हो कितनी ज़्यादा वेल मेंटेन रोड है यार, मज़ा आ गया। रास्ते बहुत सारे हैं मेरठ जाने के, पर सब टूटे फूटे हैं। ये थोड़ा लंबा पड़ता है, पर मेरे को इतना मज़ा आता है इस रोड पे, बस मैं तुम्हें क्या बताऊँ। पर मैं इसलिए आता हूँ रोड पे क्योंकि रोड अच्छी है, और कोई रीज़न नहीं है रोड पे आने का। रोड अच्छी है, व्यू अच्छे हैं, सब बढ़िया है। ऊपर यहाँ पे थोड़े भाई साहब खोलो अपनी आँखें भी, आगे स्वाद हम कुछ भी कर लेना। ये फीलिंग जो एक बाइकर वाली ना यार ये, और ऐसे व्यू ऐसे रास्ते में तो मन करता है बाइक चलाने को भी अच्छे मौसम पे।
इतना ही सकता यार, बहुत मतलब लिटरली इतना हेक्टिक लाइफ है यार, बहुत हेक्टिक लाइफ है ठीक है। तुम पे बिल्कुल टाइम नहीं है, किसी पे भी बिल्कुल टाइम नहीं है आज के टाइम पे यार। थोड़ा सा भी अपने लगा टाइम निकालना है, निकालो यार, हल्का हल्का टाइम निकालो। ये जो फीलिंग है ना मुझे बहुत मतलब हार्डली यार, मैं 2 महीने 3 महीने में अभी जब काम होता है मैं तब जाके इतना ट्रेवल कर पाता हूँ। देहरादून टू दिल्ली बनना तो मैं बाइक चलती भी नहीं है यार, पर ये जो मैं आता हूँ ना देहरादून दिल्ली, इसमें मेरे को पता है मुझे कुछ नहीं मिलता, गर्मी मिलती है, हार्डशिप झेलनी पड़ती है, बरसात बरसात, मिट्टी मिट्टी बेवजह। पर जो ये फील है ना भाई, अपनी बाइक के ऊपर बैठ के एक स्टेट से अगली जगह जाना है, अपनी फ्रीडम, कैसे भी जाओ किधर से भी जाओ, कोई भी रास्ता पकड़ो जिसमें मन करो उसमें जाओ यार। मेरा मेरा पैर पूरा, मेरा जूता पूरा फटा पड़ा है भाई, भाई ये हाल हुआ मेरे पैर का, देखो जूते का हाल है, देखो इम्पैक्ट पहला यहाँ पे आया था और स्टील तूने बचा लिया, उसके बाद इम्पैक्ट यहाँ पे शिफ्ट हो गया। उसने कहेंगे काट दी मेरी स्किन पीछे से, कैनोला वेनोला लगे हैं अभी थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग वैसे पूरी किया, वैसे जाना पड़ेगा तेरा रूम। भाई चलो जो भी हुआ ठीक है यार, क्या पता हल्के में छूट गया हूँ मैं, अगर मैंने बूट्स नहीं पहने होते तो डेफिनेटली मेरी तो उंगलियाँ चली गई होती भाई। टू बी ऑनेस्ट बूट्स ने मेरे को बचा लिया है, भले वो पीछे से उसने मेरे को डैमेज दिया हो, पर जो असली की जो प्रैक्टिकल बात है कि बूट्स ने जो फ्रंट से इम्पैक्ट आया था वो पहले रुक जाता, वो पीछे ऐसा हुआ कि पीछे वो नहीं है ना स्टील टो, तो जहाँ पे स्टील टो था वहाँ फटा हुआ है, जहाँ पे स्टील टो था वहाँ पे तो जूते ने पूरा अपनी सेफ्टी दिखाई है। ठीक है अब जो भी है कुछ दिन तक, अब कुछ महीनों तक बिना बाइक के चलना पड़ेगा, फिलहाल अभी हमें 200 किलोमीटर इसी टांग में जाना है, ऐसे जाना हमने डैमेज प्रोडक्ट की तरह। कोई बात, इस पार्ट ऑफ लाइफ ब्रो, अप डाउन चलते रहते हैं, इसके चक्कर में डिमोटिवेट नहीं होंगे, ऐसा नहीं है कि बाइकिंग इज बैड और क्या दूसरे की गलती के चक्कर में हमें डैमेज हो गया वो अलग बात है, पर सेफ्टी होनी चाहिए यार। अगर मैं सच बता रहा हूँ, अगर मैं सेफ्टी नहीं होती ना मेरे पे नहीं होता ना, मैंने गियर बेल्ट जो मैंने पहन रखे भाई मेरा बहुत बुरा हाल हुआ था। ऐसा कोई मेरा मेजर नहीं है, मैंने अभी डॉक्टर को दिखा दिया, डॉक्टर स्टिचेस लगे हैं यहाँ, 13 स्टिचेस आए मेरी टांग में, डॉक्टर के हिसाब से देखो मेरी तुम्हारी हड्डी मेरी हड्डी में क्या भाई मेरा कोई भी लिगामेंट वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मेरे किसी लिगामेंट वगैरह में कोई ऐसा डैमेज नहीं है, तो मैं बच चुका हूँ ऐसा नहीं कि बिल्कुल। पर यार वही है ना यार, अभी घर जाना है, मम्मी बहुत टेंशन लेगी मेरी माई ना, उसकी टेंशन है, बाकी तो ठीक है यार, अब डिमोटिवेट नहीं होंगे इस बात पे, अपना एंजॉय करेंगे हम सफर। अब इसके चक्कर में हम ये थोड़ा है कि सफर नहीं करेंगे, सफर तुमने करना ही है ना भाई, नॉट लाइक कि हम सफर नहीं करेंगे, वी विल ट्रैवल भाई एंड वी आर ट्रैवलिंग, आई वॉन्ट स्टॉप ट्रैवलिंग यार, बाइक भी नहीं बंद करूंगा कभी, ऐसा नहीं कि बाइक छोड़ दूंगा या चलाना इधर के मारे की बाइक अब ना, ऐसा कुछ नहीं है, बाइक चलेगी यार, बाइक चलेगी, पर ये है कि थोड़ा मैं और ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा मुझे अपने गियर्स पे, थोड़ा और महंगी चीज़ें लेनी पड़ेंगी मुझ पे, सूट वगैरह अच्छी क्वालिटी के हैं पर मेरे को लगता है कि मुझे अब अच्छे खासे फुल फ्लेज मोटी बातचीत वाले ना, या तो कस्टम अपने हिसाब से मेरे को बनवाने पड़ेंगे, क्योंकि मैं सोच रहा करवाऊँ पूरे के पूरे स्टील टू, छोड़ो मैं पूरा जूता ही लोहे का बनाऊंगा महंगा स्टील लगा हुआ, और यार किस्मत में था लग गई तो लग गई, अब इसमें कुछ नहीं कर सकते भाई। बाकी घर जाते हैं, मम्मी की 2-4 गाली खाते हैं और रास्ते में देखते हैं, अगर हल्दीराम मंदिर क्या रुकेंगे डेफिनेटली, भूख लगती है भाई, भुक्का थोड़ा जाऊंगा, वैसे इतना ब्लड लॉस हुआ है तो उसे भी नीड समथिंग टू इट ना ब्रो, ऐसे थोड़ा ना भुक्का भुक्का चल जाएंगे, तो बस वही है। बाकी कहाँ मैं सोचता था मजे मारते हुए जाऊंगा, और अभी मैं पहले सोच रहा था कि यार छोड़ मैं दिल्ली वापस जा रहा हूँ, मैं तन में होकर घर ही जा रहा था, बट सीन ऐसा हुआ और मेरी जो प्यूनी वाली छोटी वाली है ना छोटी वाली उंगली उसमें हुआ है इम्पैक्ट, मतलब मेरी राइड के पेट्रोल लगाने के बाद 37 किलोमीटर ही चला था मैं, उसमें मेरे कांड हो गया। और हाँ जब ये इंसिडेंट हुआ ना, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं अपने फटे पैर के साथ ना बाइक चला के खुद डॉक्टर पे गया हूँ, मुझे एक बंदे ने हेल्प नहीं करी रोड पे, एक बंदे ने मुझे हेल्प नहीं करी मेन रोड पे भाई, ये बता रहा हूँ मैं तुम्हें। और पीपल एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई तुम हमारी कोई हेल्प कर दे, तुम किसी की हेल्प नहीं करोगे, बहुत मेजर डैमेज था माई लिटरली, मुझे नहीं पता, पर ये था कि हाँ भाई किसी नॉर्मल, मैं तो अपनी तारीफ करूंगा भाई इस मामले में, कि कोई नॉर्मल बंदा होता ना उसकी फट के हाथ मांगी होती, क्योंकि तुम्हारा ना एक साइड का पूरा पैर फटा पड़ा है और तुम्हारे जूते ना खून छिड़क रहे हैं रोड पे, इतना खून गिरा है ना मुझे पता है कितना खून निकला, एक बूंद नहीं, ऐसे ऐसे पानी का नलका नहीं तब ऐसा खून निकल रहा था। और डॉक्टर पे मैं खुद को लेके गया हूँ, डॉक्टर भी कह रहा बेटा तो कौन लेके आया तुम्हें, उसने पूछे भी मैंने कहा खुद आया हूँ, कह रहा खुद आ गया लेकिन, तो इसलिए बोलता हूँ भाई अपने पे विश्वास होना चाहिए, दूसरे का क्या करना, अपने पे विश्वास रखोगे ना भाई सब कर लोगे। भाई मेरी टांग हो रही है दर्द और मैंने इतने इंजेक्शन खा लिए ना, मैं बताता हूँ ऐसे करके जाना पड़ रहा है, और इंजेक्शन मैंने भाई लगभग एंटी बैक्टीरियल का पूरी की पूरी बोतल चढ़ाई, मेरे को बताओ क्या हो रखा है, बिल्कुल अंदर ना लग रहा है नशे नशे बिल्कुल, मैं कहता नींद नींद चाह रही है क्योंकि अब इतने हैवी भी उतना मेडिसिन नहीं ना हिला रही है सब, और मैं कहता लेग भी पेन कर रहा है, रखते कोई जगह नहीं मिल रही है, घर वालों को कॉल आ रहा है बट लेट आया क्या हो रहा है, घर वालों को ने बताया नहीं अब तक, वरना भी चिंता करेंगे ये करेंगे वो करेंगे, तो हुआ क्या तो ना मैं जब मेरठ से पहले था, तो मेरठ से पहले मैं आराम से ना अपना एक जगह रुका सोडा पीने के लोकल पे, और सोडा पीने के लिए क्या था वहाँ पे ट्रैक्टर खड़ा हुआ था, वो जो था जोतने वाला ट्रैक्टर, जिसके पीछे लोहे के बड़े बड़े जो कमचे होते हैं गोल 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 गोल
समझ आया, जो ये पेड़ पहाड़ ये खेतों में चढ़वाते हैं ठीक, तो वो था खड़ा हुआ ठीक, और मैं उसके बगल में खड़ा था वो लेके सोडा गले ठीक। अब एकदम से क्या हुआ कि उसका लॉक खराब हुआ कि क्या खराब हुआ, पट करके नीचे गिरा, मतलब वो कब से लॉक से खाली हुआ नीचे गिरा, और जब वो गिरा तो मेरा पैर वहीं पे था। तो ये हुआ जहाँ पे मेरी बाइक का लोहा था, जहाँ पे आगे ऐसे वो है टो है, मेरा टो है स्टील टो, वहाँ तो पेनिट्रेट नहीं हुआ, पर जो पीछे वाला ही था जिसमें लेदर रहता था वहाँ पे वो पेनिट्रेट कर गया और उनने मेरी टांग फाड़ दी और 13 ताके हो गए। और मैं बाइक चला रहा हूँ वो ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर से मैं वैसे चला रहा हूँ इसके साथ टांग में, गुस्सा भी आ रहा है मुझे, और मुझे गुस्सा इस बात का है क्योंकि अब मैं बाइक लेके जा रहा हूँ, अब मैं घर जाऊँगा। मेरे घर वाले से पहले था क्या सोचे कि ये बाइक से हुआ, सबसे पहला रिएक्शन का ये होगा कि बाइक से गिरा है कि बाइक से कुछ हुआ, तब जाके इसका पैर में ऐसा कुछ हुआ वो यही मानेंगे कि भाई इसके पैर बाइक से ही हुआ है। और ये मेरे को बहुत दिमाग में चल रही बात, मैंने मम्मी को बताया नहीं, मम्मी कॉल आया था, मैंने कहा मैं लेट घर जाके बताऊंगा डिटेल में, चूंकि अभी बता दूंगा तो परेशान रहेगी बेचारी मेरी भाभी। तो दियोबंद वाला हाईवे क्रॉस करके अपने वाले हाईवे पे आ बाकी भी देखते हैं, और आई गेस अभी हो गए होंगे 11-12 के आसपास होंगे, क्योंकि मैंने अभी खींचना शुरू किया, अब तक मैं हल्के आया था, मैंने भी खींचना शुरू कर दिया, मैंने कहा चलो भाई फाइनली टोल आ गया देहरादून वाला। भाई देहरादून एंटर होते ही बरसात का स्वागत कर लिया, 2 दिन से कल से बरसात नहीं थी और आज देखो बरसात शुरू, थोड़ा कहीं लाइट मिलता तो मैं थोड़ा रेनकोट पहन लूँ। भगवान जी भाई रोक दो बस, आगे रोक दो कुछ देख लो, मुझे घर पहुँचना दो फिर बरसात करना, जंगल देखो क्या चमक रहा, बरसात शुरू भाई, मैं तुम्हें डेढ़ घर ही मिलता हूँ भाई, अब बरसात तो बुरा हाल करके रखते हैं।